हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्स डेली यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इंडियन पोस्ट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल आइकॉन रहेगा उसमें क्लिक करो, जो जो वैकेंसी का अपडेशन रहेगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा। चलो अभी वीडियो के अंदर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ये उनका ऑफिशियल साइट है। अभी उसमें आज के लिए, आज दिन के लिए दो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, मतलब दो पोस्ट के लिए रिलीज हुआ है। पहला पोस्ट का नाम है डिस्पैच राइडर और दूसरा पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर। ये दो पोस्ट का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसका एज लिमिट क्या रहना चाहिए और कैसा अप्लाई करने का, इसमें कितना वैकेंसी काले है करके इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखो तभी आपको समझ में आएगा। चलो अभी हम देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी ये सब होना चाहिए करके। पहला पोस्ट का नाम है डिस्पैच राइडर। अभी इसमें 7 वैकेंसी काली है, वो भी कैटेगरी वाइज दिया है। यूआर में 5 चाहिए और ओबीसी में 1 चाहिए। एक वैकेंसी डिटेल है, इतना वैकेंसी काली है। अभी आगे देखेंगे इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी सब होना चाहिए करके देखेंगे। पहला उनका स्केल पे दिया है सैलरी, मतलब ₹90,900 दिया है, उससे 63 तक हो सकते हैं सैलरी, मंथली सैलरी। अभी उसका लास्ट डेट दिया है 45 डेज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो न्यूज़पेपर में इसका वैकेंसी निकला हुआ रहेगा ना, उस डेट से 45 डेज के अंदर आपको अप्लाई करने का। अभी इसका एज लिमिट देखेंगे तो 18 टू 30 इयर्स कैंडिडेट्स उसके अंदर रहने का, 18 से 30 के अंदर रहने का। और बाजू में एज रिलैक्सेशन भी दिया है। अभी उसके बाद एजुकेशन के बारे में दिया है, प्रोसेसिंग ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए, मतलब जो उम्मीदवारों ने अप्लाई करने के लिए वेट कर रहा है उनको प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए। उनके पास मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल, इसमें कौन सा भी लाइसेंस रहेगा तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 8 पास होने का, उनको 8 स्टैंडर्ड कंप्लीट किया तो एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर अभी आगे देखेंगे उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है करके। उनका सिलेक्शन रहेगा ड्राइविंग टेस्ट से उनका सिलेक्शन रहेगा। फिर अभी नीचे दिया है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उनके पास रहना चाहिए, क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन के साथ, उसके बारे में दिया है। एज प्रूफ का, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एड्रेस आईडी प्रूफ फोटोकॉपी के साथ। ये आप एप्लीकेशन इस ऑफिशियल साइट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके फिर नीचे दिया हुआ है आपको एड्रेस, उस एड्रेस में आपको अप्लाई करने का। नीचे जो दिया है ना एड्रेस, उस एड्रेस में कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे करके ऊपर एनवलप में लिखने का। फिर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट में ही करने का, ये एप्लीकेशन सेंड करने का, कुछ बाकी कोई तरीका नहीं है एप्लीकेशन सेंड करने के लिए। आप एड्रेस द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस करके इधर दिया है, उस एड्रेस में आप सेंड करो। अभी हम देखेंगे दूसरा पोस्ट का नाम और उसका एलिजिबिलिटी देखेंगे। अभी दूसरा पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर, उसमें 9 वैकेंसी निकला है, मतलब 9 वैकेंसी निकला है। उसमें भी कैटेगरी वाइज दिया है, यूआर के लिए 5, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी काली है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ईएसएम के लिए 1 वैकेंसी निकला है। अभी इसमें देखेंगे तो जो पहला वैकेंसी में देखा है ना एलिजिबिलिटी डिटेल्स, एज लिमिट, उसके साथ वैसे ही दिया है इसका भी, सब एज लिमिट कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सेम ही है उसके पहले देखा ना उसके साथ ही, ये भी सेम ही है। सिलेक्शन प्रोसेस भी वैसे ही है, ड्राइवर का जो टेस्ट रहेगा ना ड्राइविंग टेस्ट, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। नीचे वही दिया है स्पीड पोस्ट में आपको एप्लीकेशन सेंड करने का। जो एड्रेस इधर दिया है ना ऊपर एनवलप में, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिख के फिर आपको अप्लाई करने का, वही पहला हम देखा ना उस पोस्ट के लिए,
वही चीज़ इस पोस्ट में भी दिया है, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करो बिफोर लास्ट डेट दिया है 45 डेज के अंदर आपको अप्लाई करने का, जो एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया हुआ रहेगा उसके 45 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स आप देखो, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आप स्पीड पोस्ट में या रजिस्टर पोस्ट में सेंड कर सकते हैं। कुछ डाउट्स रहेगा तो ये पूरा रेफर करो, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सपोर्ट करो। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।